1948 की बात है, जब 6 साल तक चले वर्ल्ड वॉर टू के कॉन्सिक्वेंसेस से दुनिया अभी भी जूझ रही थी। उस साल वर्ल्ड वॉर टू के बाद के पहले ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया था, और इस ऐतिहासिक ओलंपिक मुकाबले में अपने खेल की दुनिया के धुरंधर भेजने वाले देशों में एक नया आज़ाद भारत देश भी था। उस समय अपनी नई नई आज़ादी का जश्न मनाने और अपने शहीदों की मौत पर शोक मनाने के बीच फंसे हुए भारत ने जब पहली बार 1948 के ओलंपिक में अपना तिरंगा फहराया, तब देश के लोगों को आशा और विश्वास की पहली किरण नजर आई। सोचिए क्या दिन होगा, आजाद भारत का पहला ओलंपिक, पहला गोल्ड मेडल। और वाकई में 200 सालों तक हम पर राज करने वाले इंग्लैंड को हराकर हमारे खिलाड़ियों ने इस जीत को यादगार बना दिया था। हॉकी एक ऐसा खेल था जिसमें भारत ने पहले ही 3 गोल्ड मेडल जीते थे। मेजर ध्यानचंद की जादूगरी दुनिया भर में पहले से ही मशहूर थी। यहां तक कि एडोल्फ हिटलर भी 1936 में बर्लिन में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक की जादूगरी से मंत्रमुग्ध रह गए थे। जबकि 1948 में लंदन में हुए समर ओलंपिक्स में ध्यानचंद टीम के कैप्टन थे। उनके साथ इनसाइड राइट पोजीशन में खेलते हुए एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने कभी नहीं देखा था, और वो थे टीम के वाइस कैप्टन कुंवर दिग्विजय सिंह, जिन्हें आज हम और आप केडी सिंह बाबू के नाम से भी जानते हैं। मैदान में बाबू के खेल को देखकर हैरान एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने लिखा, बाबूज परफॉर्मेंस वॉज एज नियर टू परफेक्शन एज वॉज पॉसिबल। मैदान में बाबू ने अपनी जादुई ड्रिबलिंग, सटीक बॉल पासिंग के साथ अपने विरोधियों को भी अपना दीवाना बना दिया था, और बाबू हमेशा एक शानदार गोल स्कोरर रहे। आइए देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के छोटे से बाराबंकी जिले के केडी सिंह बाबू ने हॉकी के खेल में दुनिया भर पर राज किया। हॉकी के साथ बाबू का सफर 3 साल की उम्र में शुरू हुआ। 16 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल लेवल पर हॉकी के खेल में कदम रखा, जहां पर उन्होंने ओलंपिक के बड़े दिग्गज मोहम्मद हुसैन जैसे खिलाड़ी के सामने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखाई। उस दिन पूरी दुनिया ने यंग बाबू के अंदर के बेमिसाल जज्बे की पहली झलक देखी। हॉकी के साथ बाबू का रिश्ता उस दिन दुनिया के सामने अटूट हो गया जब उन्हें पहली बार भारतीय हॉकी टीम में 1946-47 में अफगानिस्तान दौरे के लिए चुना गया। 1947 में ईस्ट अफ्रीका दौरे के दौरान हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के साथ खेलते हुए बाबू ने 73 गोल किए, जबकि मेजर ध्यानचंद ने 62 गोल किए। मैदान में बाबू एक सेल्फलेस खिलाड़ी थे, वो अक्सर खुद स्कोर करने के बजाय अपने साथी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाकर खिलाते थे। इसके बाद 1952 में आया बाबू के करियर का मेजर ब्रेक थ्रू, हेलसिंकी ओलंपिक। उस समय बाबू भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे, लेकिन ओलंपिक खेलों से पहले ही हॉकी टीम का सिलेक्शन इस तरह से कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था कि लग रहा था कि भारत का फिनलैंड से खाली हाथ घर लौटना तय है। दिग्गजों का मानना था कि मैदान पर बाबू 22 खिलाड़ियों के बराबर थे। उनकी शानदार कैप्टेंसी में भारतीय टीम ने फिर गोल्ड मेडल जीता। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में सबसे अच्छा खेलने के लिए बाबू को 1953 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी और एशिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में चुना गया, और इसके लिए बाबू को प्रतिष्ठित हेल्म्स वर्ल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। हेल्म्स वर्ल्ड ट्रॉफी, जिसे खेल की दुनिया का नोबल प्राइज माना जाता है, उसे पाने वाले बाबू पहले और इकलौते भारतीय हैं। ये सम्मान एक समय में हर एक कॉन्टिनेंट में केवल एक एथलीट को दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सरकार और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1958 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। बाबू ने अपने मिलनसार व्यक्तित्व और आकर्षक खेल के साथ भारत और विदेशों में कई लोगों का दिल जीत लिया। केडी सिंह भारतीय हॉकी के लिए वही हैं जो सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के लिए हैं, और इसीलिए बाबू को भी द ब्रैडमैन ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है। हेलसिंकी ओलंपिक के बाद जब बाबू घर लौटकर आए तो उनका शानदार स्वागत किया गया। बाबू ट्रेन से बाराबंकी पहुंचे और उन्हें एक खुली जीप में शहर की मेन जगहों पर ले जाया गया। जीप को बाराबंकी के डीएम चला रहे थे, जबकि उत्तर प्रदेश के गवर्नर कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी भी गाड़ी में बैठे हुए थे। परेड के दौरान एक रिक्शा वाला, जो हॉकी की प्रैक्टिस में बाबू की मदद करता था, उसने जोर से आवाज लगाई, वाह भैया कमाल कर दिया। उसे देखते ही बाबू गाड़ी से नीचे उतरे और उसे गले लगा लिया। हॉकी के महारथी अक्सर बाबू की तुलना हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से करते हैं। रिटायरमेंट के बाद बाबू हॉकी के कोच बन गए और वे 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भाग लेने वाली और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कोच थे। बाबू ने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी हाथ आजमाया और उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी बने।
इसके साथ ही 1957 में लखनऊ के हजरतगंज में बनाए गए स्टेडियम का नाम भी बाबू के नाम पर ही रखा गया, जिसे आज हम और आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम के नाम से जानते हैं। 27 मार्च 1978 को 56 ईयर्स की एज में बाबू का निधन हो गया। बाबू की कहानी को जिस तरफ से भी टटोल कर देखेंगे, आप यही पाएंगे कि वो एक सुनहरे दिल वाले व्यक्ति थे। बाबू वास्तव में अपने नाम की तरह ही दिग्विजय थे। इस साल सभी हॉकी फैंस ने 2 फरवरी 2022 को उनकी 100वीं जयंती मनाई। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के जरिए लखनऊवासी बाबू के सुनहरे जीवन से रूबरू हो सकें और बीते कल के उन सुनहरे पलों को याद कर सकें जिन्होंने लखनऊ का मान बढ़ाया। आपको बाबू की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डाउनलोड करें नॉक्सेंस ऐप।